जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 9 को। साथियों सेट नंबर 9 को हम लोग इसलिए कवर करने वाले हैं क्योंकि सेट नंबर 9 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 8 तक सभी को कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, दोस्तों हम आप लोग को कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं जो कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जी हाँ साथियों, बार बार पूछे गए क्वेश्चन। बार बार कहने का मतलब कि दो बार से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के पूछे गए रहते हैं, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, कोई कोई तो क्वेश्चन आप लोग का पांच पांच बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे हम आप लोग के लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं। तो आइए सबसे पहले आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चन दिखला दे। देखिए जैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग का देखिए प्रीवियस ईयर में दो बार पूछा हुआ था। इसी प्रकार ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखिए तो ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर में दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक ऐसे ही आप लोग को टोटल क्वेश्चन देख लो, देखिए ये भी दो बार पूछा हुआ था। तो आप लोग के लिए साथियों हम ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में दो बार, तीन बार, चार बार, पांच पांच बार भी वाला क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 9 के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 9 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो इसका आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा क्या? नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय? नहीं। श्रीगुप्त होगा क्या? हाँ, श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम आप लोग का क्लास स्टार्ट कर दिया, हमें बतलाना को लिए यहाँ पर ध्यान नहीं पड़ा है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे, दोस्त हम आप लोगों को जिस प्रकार का क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं ना, ठीक उसी प्रकार का आप लोगों के लिए एक सेट भी तैयार किया गया है जो कि पीडीएफ के तौर पर आप लोग को दिया जाता है, जिसमें साथियों आप लोग को देखने को मिलेंगे साइंस से आप लोग को लगभग 4000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ठीक उसी प्रकार जीके जीएस से आप लोग को लगभग 8000 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक ऐसे ही आप लोग को टोटल क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे साइंस का हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी और फिर स्टैटिक जीके, यानी कि टोटल आप लोग के साथ वो 8 सब्जेक्ट यहाँ पर रहते हैं। और 8 सब्जेक्ट से टोटल आप लोग के क्वेश्चन अगर मिला लें तो टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 30K+ रहती है साथियों, यानी कि 30,000+ क्वेश्चन आप लोग को टोटल देखने को मिलते हैं, जिसका मूल्य साथियों 1 and 1 is 100 rupees रखा गया है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7870-14-12-38 7870-14-12-38 7870-14-12-38। ये आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया, आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है साथियों। और अगर कोई बच्चे जो है सिर्फ रेलवे और जीके जीएस का, रेलवे के लिए साइंस और जीके जीएस का अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो भी वो बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग का मूल जो है इन दो सब्जेक्ट के लिए 1 and 1 is 60 rupees रखा गया है, तो आप लोग जाकर के आराम से बाय कर सकते हैं। और साथियों इसमें आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके पैटर्न पर नए नए क्वेश्चन भी उसमें डाले गए हैं। तो इसका तो हम लोग का राइट आंसर हो गया क्या भैया? तो श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर श्रीगुप्त। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखा जाए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो यहां पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत का जो नेपोलियन है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो किस वंश से संबंधित थे ये बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप लोग भी अपना अपना आंसर नोट करते रहिएगा, एक कॉपी कलम जरूर ले लीजिएगा, और मेरा आंसर को एक साइड नोट करिए, अपने आंसर को एक साइड नोट करिए, लास्ट में मैच करके आप लोग जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग का कितना जो है सही हुआ है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वो किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग के पास चारों ऑप्शन है, आप लोग अपना अपना आंसर नोट कर लीजिए, हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम कभी भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए साथियों आप लोग फाइव नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा होगा भैया बताइए? राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल या फिर मौर्य काल? तो यहाँ पर आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो छोटे भाइयों वो हो जाएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो है, स्वर्ण युग वो गुप्त काल को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गुप्त काल था। आगे बढ़ते देखा जाए साथियों, सिक्स नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते थे, तो क्या कहते थे भैया? तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पण नहीं, फिर यहाँ पर काश्यपण भी नहीं होगा, दिनार भी नहीं, रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, जितने भी कैंडिडेट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को एक बार फटाफट साथियों सभी लोग मिल करके प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आप लोग इसे सेट नंबर, हम लोग अभी 9 को कवर कर रहे हैं, सेट नंबर 8 तक अगर आप लोग कवर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग जाकर के जरूर से जरूर सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे साथियों, आप लोग जैसे ही यहाँ पर चैनल पर विजिट करते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए होम वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप लोग को आना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आने के बाद देखिए जीके जीएस का ये पहला नंबर प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को टोटल 8 क्लास पहले करा चुके दिए गए हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं सेट नंबर 9 को, तो सेट नंबर 8 तक आप लोग का यहाँ पर टोटल उपलब्ध है, आप लोग आकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। और उसके साथ अगर आप लोग साइंस वाला भी देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट, तो देखिए ये वाला आप लोग का साइंस का प्लेलिस्ट है, जिसमें टोटल 53 क्लास आप लोग को उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि टोटल ऐसे ही आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पहले करा चुके हैं हम, तो आप लोग आकर के जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा साथियों। चलिए अब हम लोग सेट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, बाहर मिहिर में थे एक महान, क्या थे भैया? कवि थे, दार्शनिक थे, खगोलविद थे या फिर ज्योतिषी थे? कौन थे भैया यहाँ पर? वहाँ मिहिर थे, कौन थे भैया एक महान, क्या थे? तो वो एक महान खगोलविद थे। कौन थे? खगोलविद थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, खगोलविद थे। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए साथियों, चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में तो नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। चलिए आगे बढ़ा जाए। 10 नंबर क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? बताइए किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, ये बतलाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य के छापों के, नहीं ग्रीक आक्रमण के, नहीं हूण आक्रमण के, हाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हूण आक्रमण के। आगे बढ़ा जाए साथियों, देख सकते हैं आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में 2 बार पूछा हुआ था। ये 11 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी? कौन से वो भैया, ये बतलाना है भैया। तो देखिए किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की थी, तो उनका नाम क्या है भैया? तो वो हो जाएंगे आप लोग के स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते देखा जाए साथियों, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास कौन थे भैया, कालिदास क्या थे? आप लोग को बतलाना है, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, अपना अपना राइट आंसर नोट कर लीजिए, हम इसका राइट आंसर बतला रहे हैं। तो देखिए जो कालिदास थे ना, वो भैया गुप्त काल के कवि थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कालिदास गुप्त काल के कवि थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखा जाए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध डायस थे, आर्यभट्ट जो थे वो भारत के प्रसिद्ध क्या थे भैया, ये बतलाना है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा कवि तो नहीं थे भैया, भौतिक विज्ञानी भी नहीं थे, गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट भारत के कौन थे भैया? गणितज्ञ थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 40 नंबर, किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था? बताइए किस गुप्त शासक ने भी आस्तम किया था, यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था, तो उनका राइट नाम क्या हो जाएगा भैया, वो कौन थे? तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कुमारगुप्त थे। आगे बढ़ जाए 50 नंबर, चीनी यात्री हेनसोंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? देखिए ये क्वेश्चन 4 बार पहले पूछा हुआ था। चीनी यात्री जो हेनसोंग था उसने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं, हर्षवर्धन के काल में भी किया था भैया, हर्षवर्धन के काल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पर आगे बढ़े 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक के देश के ब्राह्मण स्वयं खेती करते थे वो कहा है? तो कौन है भैया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हेनसोंग। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने तक के देश के ब्राह्मण
स्वयं खेती करते थे कहा था, किसने कहा था भैया? तो हेंसंग ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हर्षवर्धन ने शासक किया था, हर्षवर्धन ने शासक किया था, तो हर्षवर्धन जो था ना भैया वो सातवीं शताब्दी के दौरान में शासक किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सातवीं शताब्दी के दौरान। जितने भी भाई अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनसे आग्रह करेंगे प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्लासेस को वॉच नहीं किए तो जाकर के जरूर वॉच करिएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग रेलवे का भैया अच्छी तरह से ठीक जिस प्रकार से हम आप लोग को क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, अगर आप लोग ठीक वैसा ही क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जो हम बताए हैं जिसमें आप लोग को साथियों 30 के प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यही वो आपको आप लोग का PDF है जिसमें साथियों टोटल 8 सब्जेक्ट देखने को मिल रहे हैं, साइंस, GK, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी और स्टैटिक GK। देखिए ये सब तो आप लोग के भैया कुछ अलग प्रकार से रखे गए, जैसे इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर, हिंदी, स्टैटिक GK हो गया, मगर स्पेशली रेलवे के लिए साइंस, GK और यहाँ पर मैथ, रीजनिंग का PDF स्पेशली रेलवे के लिए बनाया गया है, और ये आप लोग के लिए साइड से फ्री में ऐसे ही उसमें जोड़ दिया गया है ताकि आप लोग के प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए अगर आप लोग अन्य किसी स्टेट पुलिस का फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, बिहार पुलिस का होने वाला है, बिहार SSC का होने वाला है, उन सभी के लिए सारे PDF जो है साथियों महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर ले लीजिएगा, आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा साथियों। जिस प्रकार से क्वेश्चन करा रहे हैं वैसे क्वेश्चन रहेंगे उसमें, उसमें TCS पैटर्न पर भी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि TCS आप लोग का रेलवे का एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। तो मूल्य साथियों ऑनलाइन वाली 100 रुपीज रखा गया जिसमें साथियों 30 के प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 30,000 प्लस क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको बाय कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोग का यही है 7817141238, जरूर आप लोग ले लीजिएगा साथियों, आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होगा साथियों ये PDF। चलिए अब हम लोग अपने सेट पर बढ़ जाते हैं, सेट नंबर 9 का 70 नंबर क्वेश्चन, तो ये तो सातवीं शताब्दी के दौरान हो जाएगा। चलिए हर्षचरित की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी, हर्षचरित की जो रचना है वो निम्नलिखित में से किसने किया था ये बतलाना है साथियों। तो देखिये हर्षचरित की रचना जो है यह बाणभट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बाणभट्ट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, कौन है भैया ये बतलाना है। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, तो बाणभट्ट ही होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बाणभट्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है, हर्षवर्धन के द्वारा जो है रचित नाटक कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगी हर्षवर्धन तो नहीं होगी, देखिए भैया देख करके कंफ्यूज हो जाएगा, नाम सेम देख कर कंफ्यूज नहीं, हर्षवर्धन नहीं, कादंबरी नहीं, रत्नावली होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रत्नावली। 21 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहां पर स्थित था, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ जो था वो कहां पर स्थित था साथियों, ये आप लोग को राइट आंसर बतलाना है। तो इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र नहीं, वैशाली नहीं, कांचीपुरम नहीं, नालंदा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर नालंदा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, कनौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों शशांक, कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर शशांक हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों पाटलिपुत्र तो नहीं होगा, उज्जैन भी नहीं होगा आप लोग का, तो क्या हो जाएगा कन्नौज होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कन्नौज होगा। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, कामरूप किसका प्राचीन नाम है, कामरूप किसका प्राचीन नाम है, देखिए ये एक ही में बेचारा आ गया है, यहाँ से अलग है, बी नंबर अलग है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, तो बतला दे आप लोग को कामरूप जो है ना साथियों वो आप लोग का असम का प्राचीन नाम है, असम का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर असम का। 25 नंबर, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक जो था वो कौन था ये बतलाना है, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नहीं, गोपाल था, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। आगे बढ़ जाए 26 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बंगाल का प्राचीन नाम कौन सा था भैया, तो बंगाल का प्राचीन नाम जो था वो कामरूप नहीं, वस्ता नहीं, गोंड था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ जाए, देखा जाए 27 नंबर, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है, महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 27 नंबर का
भारती थे क्या? नहीं भारती नहीं, तिरुवल्लर भी नहीं थे भैया, इलिंगो थे। कौन थे? इलिंगो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इलिंगो। 28 नंबर, तमिल रामायण कृति है, तमिल रामायण कृति है, तो तमिल रामायण कृति जो है ना दोस्त वो आप लोग का कम्बन की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कम्बन की है। आगे बढ़ जाए, देखा जाए हम लोग 29 नंबर, चोले राजा जी से गंगई गुंड कहा जाता है, वो कौन है भैया? आप लोग के पास चारों ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा राजराज तो नहीं होगा, राजेंद्र होगा, राजेंद्र, ध्यान रखिएगा राजेंद्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का पहले कौन कितने बार पूछा हुआ है, थोड़ा इसे देख लिया जाए तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तीन बार शायद पूछा था ना, हाँ तीन बार पूछा हुआ है। देखिए चोल राजा जिसे गंगाई गोंड कहा जाता है वो राजेंद्र थे। 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, आप लोग अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग से निवेदन करेंगे वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो रोजाना प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड PDF आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो कौन से चोल राजा थे भैया? तो राजेंद्र ही थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राजेंद्र। हम लोगों ने आज कंप्लीट किया साथियों सेट नंबर 9, कल के क्लास में देखेंगे सेट नंबर 10 GKGS का, एंड सुबह के टाइम में हम लोग देखेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 52। प्रैक्टिस सेट नंबर 51 तक हम लोग का साइंस का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो 52 नंबर हम लोग कल के सुबह के क्लास में देखेंगे। और हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स भी बतलाते हैं, कुछ उसमें अगर बदलाव किया जाता है, जैसे अभी बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, LLP का सीट बढ़ा हुआ है, फिर से टेक्नीशियन का भी बढ़ने वाला है, आज ही एक नया अपडेट भी उसमें ऑफिशियल जारी किया गया है, रेलवे ग्रुप डी का 1,00,000+ वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है, आएगा ऐसा अपडेट आ चुका है ऑफिशियल निकल करके। तो ये सब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन है सभी हम आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी नए नए जॉब्स के बारे में जानकारी जानने के लिए, छोटे छोटे अपडेट्स को पाने के लिए, उसके साथ अपने रेलवे के प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।